इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है जब शो के लीड एक्टर्स कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से शो को अलविदा कह देते हैं, तो वहीं कई बार गिरती टीआरपी की वजह से शो के मेकर्स लीड एक्टर्स को रातों रात रिप्लेस कर देते हैं। तो वहीं टीवी इंडस्ट्री में कई सितारे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के खातिर अपने हिट शो की कुर्बानी तक दे डाली थी। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको हम ऐसे ही 10 टीवी स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो रातों रात अलग अलग वजहों से अपने शो से गायब हो गए और इनकी जगह 10 दूसरे एक्टर्स ने ले ली। साथ ही इन शो के लीड एक्टर्स के रिप्लेसमेंट से फैंस के बीच तहलका मच गया था। नंबर 1, करण मेहरा विशाल सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है में करण मेहरा ने नैतिक सिंघानिया का किरदार प्ले किया था। स्क्रीन पर नैतिक और अक्षरा की जोड़ी फैंस फेवरेट बन गई थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से करण ने शो को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रातों रात करण को रिप्लेस करके नैतिक के किरदार में विशाल सिंह को कास्ट किया गया। नंबर 2, सुशांत सिंह राजपूत हितेन तेजवानी। सुशांत ने एकता के फेमस सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख का किरदार निभाया था, लेकिन शो के बीच में ही सुशांत को बड़े फिल्मों के ऑफर्स मिल गए थे, जिसकी वजह से सुशांत ने शो से एग्जिट ले लिया था। इसके बाद शो में मानव का रोल हितेन तेजवानी ने प्ले किया। नंबर 3, करण सिंह ग्रोवर राकेश वशिष्ठ। सुरभि ज्योति के शो कबूल है में करण सिंह ग्रोवर ने असद अहमद खान बनकर लोगों को काफी एंटरटेन किया था, लेकिन फिल्म में चांस मिलने की वजह से करण ने सीरियल को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद राकेश वशिष्ठ ने असद का किरदार निभाया था। नंबर 4, वैभव रॉय एलिगोनी। सीरियल कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान में वैभव राज कपूर का रोल प्ले कर रहे थे। कुछ समय बाद वो शो से अलग हो गए, जिसके बाद एलिगोनी को शो का हिस्सा बनाया गया। नंबर 5, यशपाल शर्मा राजेश कुमार। जी टीवी के सीरियल नीली छतरी वाले में यशपाल शर्मा भगवान दास चौबे का मुख्य किरदार निभा रहे थे। शो के बीच में ही उन्होंने सीरियल से किनारा कर लिया, जिसके बाद जाने माने कॉमेडियन राजेश कुमार ने शो की कमान अपने हाथों में ले ली। नंबर 6, अर्जित तनेजा विन राना। अर्जित तनेजा कुमकुम भाग्य में पहले पूरब खन्ना के किरदार में नजर आते थे, बाद में वो अपने रोल से नाखुश दिखे, जिसकी वजह से उन्होंने शो को बीच में अजधार में ही छोड़ दिया। इसके बाद उनको विन राना ने रिप्लेस किया था। नंबर 7, शोएब इब्राहिम धीरज धूपर। दीपिका कक्कड़ के जाने माने शो ससुराल सिमर का में शोएब इनके पति प्रेम के किरदार में नजर आए थे। शोएब के सीरियल छोड़ने के बाद उनको धीरज धूपर ने रिप्लेस किया। नंबर 8, गौतम गुलाटी करण गोडवानी। स्टार प्लस के शो दिया और बाती हम में गौतम गुलाटी के किरदार विक्रम राठी को काफी पसंद किया गया था, लेकिन गौतम ने बीच में ही शो को छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें बिग बॉस के घर में एंट्री लेनी थी, जिसके बाद करण गोडवानी को गौतम की जगह रखा गया। नंबर 9, शशांक व्यास शक्ति आनंद। शशांक व्यास ने सीरियल बालिका वधू में जगिया बनकर खूब वाहवाही बटोरी थी, बाद में शशांक के जाने के बाद यह किरदार शक्ति आनंद ने निभाया था। एंड नंबर 10, करण पटेल चैतन्य चौधरी। इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम जुड़ा है एक्ट्रेस करण पटेल और चैतन्य चौधरी का। सीरियल ये है मोहब्बतें में करण पटेल रमन भल्ला का किरदार निभाते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही खतरों के खिलाड़ी एंड और भी वर्क असाइनमेंट्स की वजह से करण ने शो छोड़ दिया, जिसके बाद करण की जगह शो में CID फेम एक्टर चैतन्य चौधरी को कास्ट किया गया।